नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो काली चरण ने विवादित बयान दिया था, उसका मामला अभी गरमाया हुआ है। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है कि फिर दोबारा नरसिंहपुर में भागवत कथा वाचक तरुण मुरारी बापू ने देशद्रोह महात्मा गांधी को कहा है। इस मामले में उसका कहना है कि जो देश के टुकड़े कर दे वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है, वो इसका विरोध करता है। इस मामले में अब ये कहा जा रहा है कि तरुण मुरारी बापू के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर काली चरण ने विवादित बयान जो दिया था, उसका मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब फिर नरसिंहपुर में भागवत कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को देशद्रोह कह दिया है। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर काली चरण की बदजुबानी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। जगह जगह केस दर्ज हुए हैं। अब नरसिंहपुर में भागवत कथा वाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उसने कहा है कि जो राष्ट्र के टुकड़े कर दें वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है, मैं उनका विरोध करता हूँ, वे देशद्रोही हैं। नरसिंहपुर में स्टेशन गंज पुलिस ने तरुण मुरारी बापू के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। सोमवार को छिंदवाड़ा रोड स्थित वीरा लॉन में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान तरुण मुरारी बापू ने विवादित बयान दिया। उसने कहा कि महात्मा गांधी ना तो महात्मा है और ना ही राष्ट्रपिता हो सकते हैं। उन्होंने जीते जी देश के टुकड़े कर दिए, इस वजह से उन्हें देशद्रोही कहा जाना चाहिए। कांग्रेस ने तरुण मुरारी बापू के बयान आने पर आपत्ति दर्ज की, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से थाना स्टेशन गंज में IPC की धारा 153, 504, 505 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि तरुण मुरारी बापू अभी अपनी बात पर कायम है। जिस तरीके से महात्मा गांधी के लिए इस तरह के मुतनाज़े बयान दिए जा रहे हैं, बहुत ही काबिले मजम्मत बात है। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।